subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू महिंद्रास। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है महिंद्रास के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे, जो प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। दीपावली स्पेशल सेशन है, बहुत लंबा इसको नहीं रखेंगे एंड दिस सेशन इज रिकॉर्डेड। इसके पहले एक रिवर्सलिज्म का सेशन मैंने किया था, इसमें टिप्स बताए थे मेंस के ही पैटर्न पे कुछ क्वेश्चंस आपके डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के आते हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस कोडेड फॉर्मेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लैरिकल मेंस 2019 में पहली बार पूछा गया था। दैट वाज अ वेरी न्यू ऑफ इट्स काइंड। वहीं पे उसके बाद और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया। ऐसे ही कोडेड ब्लड डोनेशन भी आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंट आ जाता है। तो इनके ट्रिक्स का डिस्कशन आज की इस क्लास में करेंगे। आई विल लेट यू नो द ऑल द बेसिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस विद दैट ट्रिक। और उसके लिए आइए चलते हैं, मैं क्वेश्चन आपके सामने लगाऊंगा। लेकिन उसके पहले @ रीजनिंग बाय बसंत सर, दैट्स व्हाट माय टेलीग्राम आईडी इज। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है कर जरूर लीजिएगा @ रीजनिंग बाय बिना स्पेस के रहेगा। जो पहला टॉपिक है वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस कोडेड फॉर्मेट, देन वील टेक द ब्लड रिलेशन कोडेड फॉर्मेट। तो डायरेक्शन डिस्टेंस का कोडेड फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है, दैट लुक्स लाइक दिस, कुछ ऐसा दिखाई देता है। एंड व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इज, मैं सामने से हट जाता हूँ, एक्स डॉलर वाई इज साउथ डायरेक्शन ऑफ एक्स at a distance of 9 meter x exclamatory y, फिर कह रहे y is not direction at the distance of 6 meter, then उसके बाद ऐसे ही करके सारे के सारे relations दिए गए हैं। और फिर छोटे मोटे questions वहाँ पे पूछता है, a is in which direction with respect to d, a d के respect में किस दिशा में है, वो आपको बताना है। ऐसा करके question पूछा गया है। बट हम इस question को आसानी से सावधानी से लेकर बना सकते हैं, ए और बी का जो रिलेशन है वो हम बना सकते हैं। पर ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पहले छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। एक्स स्टार वाई का अर्थ है एक्स इज द लेफ्ट ऑफ वाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 meter, एक्स हैश वाई का अर्थ है एक्स इज साउथ ऑफ वाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 meter, एक्स एट द रेट वाई मीन्स एक्स द राइट ऑफ वाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 meter, ऐसे ही परसेंटेज लिखा हुआ x परसेंट y is x is the north direction of y with at a distance of 9 meter। Remember one thing, इसे पहला x है और दूसरा y है, तो जो relation x का है y के respect में बोला गया है, यानी y के north direction में 9 meter पर x है, ऐसे आप पढ़ेंगे। तो आपका जो पढ़ने का तरीका होगा that is going to be right to left। तो यहाँ पे जो भी questions को हम पढ़ेंगे उनको राइट टू लेफ्ट। एक तो तरीका है कि जैसे यहाँ एक इक्वेशन आपके सामने लगाई गई है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके चल सकते हैं, और वो भी अपने अप्रोच से जो आप नॉर्मल डायग्राम वेन डायग्राम मेथड बनाते हैं उसके जरिए लेके चल सकते हैं। मैं फॉर अ सेकेंड अपने आप को स्क्रीन से रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि आपको ताकि प्रॉपरली जो है वो चीज़ें विजिबल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप रिलेशंस जो दिए गए हैं, जैसे ये सब कुछ बताने के बाद यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ बी एट द रेट टी परसेंट वी हैश एच एट द रेट के, और आपसे सवाल कह रहा है कि विच डायरेक्शन इज के विद रिस्पेक्ट टू डी, के डी के रिस्पेक्ट में किधर है। अब हमेशा आप जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा जहाँ ये कोडेड रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये देखना रिलेशन किस रिस्पेक्ट में है। यहाँ राइट से लेफ्ट रिलेशन है, वाई के लेफ्ट साइड में एक्स है, ठीक है, लेफ्ट का मतलब हुआ क्या ईस्ट डायरेक्शन, और राइट का मतलब क्या हुआ वेस्ट। तो आप लेफ्ट को ईस्ट भी समझ सकते हो, भाई किसी का लेफ्ट होगा तो वो इस तरफ हो जाएगा और किसी का राइट होगा तो वो इस तरफ हो जाएगा यहाँ के, और यहाँ राइट की जगह पे मैं वेस्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, राइट की जगह पे आप वेस्ट काउंट कर सकते। पहला वाला ईस्ट है दूसरे वाले के, यहाँ पहला वाला साउथ है दूसरे वाले के, दूसरे वाले के साउथ में पहला वाला है एक्स, ऐसे पढ़ सकते हैं।
आपको जो रिलेशन डिकोड करने हैं वो राइट से लेफ्ट, एक तो तरीका जैसे मैंने आपको बताया, मैं यहाँ बना भी देता हूँ, एट द रेट डी लिखा हुआ, एट द रेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी इज वेस्ट ऑफ डी, बी डी के वेस्ट डायरेक्शन में है, और डिस्टेंस जो लिखी हुई है दैट इज 3 मीटर, इनके बीच में 3 मीटर की डिस्टेंस दी हुई है, बी पर्सन वी लिखा हुआ है, विच सेज फर्स्ट पर्सन इज नॉट डायरेक्शन ऑफ वी, यानी डी इज नॉर्थ ऑफ वी एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर, डी वी के नॉर्थ में 9 मीटर की दूरी पर दिया गया है, देन वी हैश एच लिखा हुआ है, हैश किसको रिप्रेजेंट करेगा, साउथ को, वी किसके साउथ डायरेक्शन में, एच के, और कितनी दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर, तो एच क्लियरली कहीं यहाँ होगा, एच से वी के बीच की दूरी 5 होगी, तो डी से एच के बीच की दूरी 4 होगी, क्योंकि डी से वी के बीच की दूरी 9 दी गई है, देन एच टू के लिखा हुआ है, एच एट द रेट के, एट द रेट डिनोट करता है वेस्ट को, तो H वेस्ट डायरेक्शन में है किसके, सेकेंड वाले यानी K के, 3 मीटर, तो H K के वेस्ट डायरेक्शन में है और 3 मीटर की दूरी पर, तो K कहीं आपका यहाँ पे बनेगा और H विल बी 3 मीटर वेस्ट ऑफ K। आपसे सवाल पूछा गया कि इस इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू D, तो D के साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में दिख रहा है, सो आपका राइट आंसर क्या हो रहा है, साउथ ईस्ट हो रहा है, आ रहे क्या आ रहा है, फिर से वापस देख लेते सारे, बी एट द रेट डी मीन्स बी इज वेस्ट ऑफ डी 3 मीटर, देन डी पर्सन वी रिप्रेजेंट्स डी इज नॉर्थ ऑफ वी, बिल्कुल सही बना है, वी हैश एच यानी वी इज साउथ ऑफ एच एट अ डिस्टेंस ऑफ 5, देन एच एट द रेट के मीन्स एच इज राइट ऑफ H is right of K by, एक मिनट, H is east of K, पहला वाला east है K के, मैं यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, H is the east of K, तो H is the east of K है, तो K is to be this place and 3 meter की distance दी गई है, ये तो है H is east of K। अब आपसे सवाल पूछा K is in which direction with respect to D, D के respect में K किधर है, तो D के south west direction में दिखाई दे रहा है, करेक्ट आंसर होगा साउथ वेस्ट, विच इज गिवन इन द थर्ड ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन को इतना सब डायग्राम बना के ना करके अगर हम ओरली कोशिश करें, वी कैन गेट इट ओरल, कैसे देखो, सारे रिलेशन को लिख लेंगे, जैसे पहला लिखा हुआ बी एट द रेट डी, तो बी और डी के बीच में डिस्टेंस कितनी लिखी हुई है, उसके साथ डायरेक्शन क्या लिखा हुआ है वो देखेंगे, एट द रेट रिप्रेजेंट करता है वेस्ट को और 3 मीटर, तो मैं यहाँ पे 3 वेस्ट लिख लूंगा, परसेंटेज नेक्स्ट डिनोट करता है नॉर्थ को और 9 मीटर, तो मैं यहाँ 9 नॉर्थ लिख दूंगा, हैश किसको डिनोट कर रहा है, हैश डिनोट करता है साउथ डायरेक्शन को 5 मीटर, तो 5 साउथ में यहाँ लिखता हूँ, एट द रेट अगेन रिप्रेजेंट करेगा 3 वेस्ट, आपको के और डी के बीच का देखना है, यानी यहाँ से यहाँ तक का ही आपका मतलब है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही देखना है, ठीक है, के और डी का देखना है, तो अब यहाँ पे 9 नॉर्थ है। अब ध्यान रखें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि ईस्ट और वेस्ट आपस में सॉल्व होंगे, नॉर्थ एंड साउथ आपस में सॉल्व होंगे, ईस्ट वेस्ट अगर है तो एक ईस्ट है एक वेस्ट है, तो सब्सट्रैक्शन ऑपोजिट एंड के केस में आप क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे बड़े में से छोटा, जैसे यहाँ पे 5 वेस्ट है और 3 ईस्ट है, तो बड़े में से छोटा घटा देंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे, बड़े का डायरेक्शन लिखेंगे तो 2 वेस्ट लिख देंगे, ऐसे ही नॉर्थ साउथ के केस में मान लो नॉर्थ का 9 है और साउथ का 3 है, तो बड़ा क्या है नॉर्थ है, तो नॉर्थ लिखा जाएगा और बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, दैट्स इट। अब अगर बराबर हो जाए 3-3 तो दोनों कट के 0 बना लेंगे, मतलब ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं यहाँ पे, ऐसे ही नॉर्थ नॉर्थ दिया गया है तो ऐड करना है, जैसे 5 नॉर्थ एंड 5 नॉर्थ दिया हुआ है, तो यू आर सपोज टू ऐड नॉर्थ नॉर्थ, तो 5 5 10 हो जाएगा, 10 नॉर्थ लिखा जाएगा, ऐसे साउथ साउथ ईस्ट ईस्ट वेस्ट वेस्ट सभी होंगे। अब हमें साउथ नॉर्थ और साउथ को सॉल्व करना है, इस केस में 5 दिया हुआ है और 9 दिया हुआ है, 9 5 दोनों में से देखो कौन सा बड़ा है, नॉर्थ वाला बड़ा है, तो यहाँ नॉर्थ लिख दोगे और उसका डिस्टेंस बड़े में से छोटा माइनस करोगे, 9 माइनस 5 4 आ जाएगा, और ये वेस्ट वाला लिखा हुआ, बाकी वेस्ट के साथ सॉल्व करने के लिए कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आप लिखोगे वेस्ट, है ना। अब वेस्ट क्या है, 3 है। अब आपको क्या पता चल रहा है, डी इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ के, समझना, डी इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ के, डी जो है वो के नॉर्थ वेस्ट में आएगा, क्यों, एट द रेट किसको डिनोट कर रहा है भाई, वेस्ट को डिनोट कर रहा है,
Yes, right. 9 north. Yes. है ना? तो नॉर्थ वेस्ट अगर आ रहा है तो नॉर्थ का उल्टा क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है, डी आपका के रिस्पेक्ट में नॉर्थ वेस्ट आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट आना चाहिए. एट द रेट इज गिवन, एच एट द रेट के मीन्स एच इज वेस्ट ऑफ के. अरे यार ये डायग्राम मैं फिर से उल्टा बनाया यार. एच इज वेस्ट ऑफ के होना चाहिए, एच शुड बी वेस्ट ऑफ के. हम अपने अप्रोच से बिल्कुल ठीक है. एच शुड बी वेस्ट ऑफ के और 3 meter की डिस्टेंस पे होगा. क्या यार, फिर आपसे ये क्या सवाल का जवाब जब देखने जाओगे, के इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी, तो डी के नीचे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है. के इज साउथ ईस्ट ऑफ डी. अब यहाँ नॉर्थ वेस्ट आ रहा है कौन? डी के नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है. तो पहला वाला नॉर्थ वेस्ट अगर आ रहा है दूसरे के, तो दूसरा वाला उसका उल्टा हो जाएगा. अगर आपसे कहता कि डी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू के, तो हम कहते कि भाई डी इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ के. बट आपसे कह रहे के इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी, तो हम उसको नॉर्थ वेस्ट की जगह पे साउथ ईस्ट बोल देंगे. नॉर्थ की जगह उल्टा और वेस्ट की जगह भी उल्टा करेंगे. नॉर्थ का उल्टा साउथ, वेस्ट का उल्टा ईस्ट, साउथ ईस्ट. यानी के इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ डी, एंड दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग. साउथ ईस्ट इज नॉट गिवन इन एनी ऑप्शन, नन ऑफ दीज इज टू बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्यू, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड एन. दिस विल ऑल्सो बी वेरी इजी फॉर यू. कैसे करोगे? देखो यहाँ पे आपको क्या देखना है, क्यू और एन के बीच की दूरी देखनी है. ठीक है, किसके बीच की दूरी देखनी है? क्यू और एन के बीच की दूरी. तो Q इस जगह पे दिया हुआ, M के साथ लिंक करेंगे, M से N लिंक करेंगे, Q से M, M टू N, है ना. तो Q से M के बीच में क्या लिखा हुआ है? स्टार लिखा हुआ है. इन स्टार डिनोट 7 लेफ्ट यानी ईस्ट, 7 ईस्ट हो गया. और यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? परसेंटेज लिखा हुआ है. परसेंटेज डिनोट करता है नॉर्थ को और 9 नॉर्थ को डिनोट करता है. अब हमारा क्लियरली है नॉर्थ ईस्ट बनेगा. कौन? पहला वाला यानी Q. Q will be the northeast. Q will be the northeast of M. है ना, Q M M N ऐसे बनेगा. ठीक है, Q will be the northeast of N. Q N के northeast में बनेगा. हाला हमसे वो पूछा नहीं, डिस्टेंस पूछ लिया. तो 9 जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका वर्क कर दीजिए और 7 का वर्क कर दीजिए और इसका रूट निकाल दीजिए. वॉट एवर यू विल गेट द आंसर. 81 हो जाएगा एंड 49 हो जाएगा. इफ यू एड दीज टू नंबर्स तो ये हो जाएंगे 90 + 130 आएगा. रूट 130 इज द करेक्ट आंसर, राइट. तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 130 हो जाएगा. फिर यहाँ देखो, टी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू यू. यू से हम टी तक जा सकते हैं. एंड सिंपली स्टार डिनोट किसको करता है? ईस्ट को डिनोट करता है, लेफ्ट मतलब वेस्ट को डिनोट करता है. तो यहाँ वेस्ट लिख लेंगे एंड द डिस्टेंस इज गिवन 7. इट विल बी 7 वेस्ट. परसेंटेज किसको डिनोट करता है? नॉर्थ को. 9 नॉर्थ यहाँ लिखेंगे एंड देन 7 वेस्ट अगेन लिखेंगे. फिर टी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू यू. अब आपको पता है वेस्ट और वेस्ट ऐड हो जाएंगे. 7 + 7 = 14 हो जाएगा. 14 वेस्ट आएगा एंड 9 नॉर्थ आएगा. तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, पक्की बात है. और पहले वाले का मिल, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में पहले वाले का रिलेशन दूसरे के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है. एक्स स्टार वाई मतलब एक्स इज लेफ्ट ऑफ वाई. तो फर्स्ट का रिलेशन सेकेंड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है. तो यहाँ पे इसका मतलब टी इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ यू. अगर ये उल्टा पूछा गया होता, यू इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हम कहते भाई यू नॉर्थ वेस्ट का उल्टा कर देते. नॉर्थ का उल्टा साउथ और वेस्ट का उल्टा ईस्ट, तो साउथ ईस्ट हो जाता था. नॉर्थ वेस्ट बनेगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर. डिस्टेंस पूछेगा तो ये 14 और 9 का वर्ग निकाल दोगे आप उनके बीच की डिस्टेंस, लाइक 14 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, एंड देन यू विल गेट द रूट ऑफ इट. वो आपका आंसर हो जाएगा. ऐसे ही ये क्वेश्चन लिखा हुआ है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ई एन एच. ई और एच के बीच की डिस्टेंस निकालिए. तो सिंपल है, हैश लिखा हुआ है एंड द हैश इज साउथ, 5 साउथ लिखा हुआ है. 5 साउथ. ओके, स्टार डिनोट कर रहा है 7 meter वेस्ट. एक तो पहला वाला साउथ वेस्ट होगा एच के. ई इज साउथ वेस्ट ऑफ एच. एंड इफ यू लुक एट द डिस्टेंस, 5 का स्क्वायर एंड देन 7 का स्क्वायर करोगे एंड देन यू विल गेट द रूट ऑफ इट. यू विल गेट द आंसर. तो 25 और 49 दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, हाउ मच विल गेट? 4 + 2 = 6, 7.
74, रूट 74 मिलेगा, विच इज गिवन इन डी ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी इससे रिलेटेड जो होंगे वो आप आराम से बना लें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको बाकी मैंने होमवर्क क्वेश्चन के रूप में दे दिया। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज द कोडेड ब्लड रिलेशन का जो कोडेड फॉर्मेट है वो है, और अब हम कोडेड ब्लड रिलेशन देखने के लिए चल रहे हैं। अब ब्लड रिलेशन भी सेम तरीके से बना है, ये देख लिया आपने, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशंस दिए हुए, पी हैश क्यू का मतलब है पी इज सन ऑफ क्यू, पी स्टार क्यू डिनोट किसको करता है, पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, कुछ इस तरीके से रिलेशंस आपके दे रखे। ठीक है, फिर कह रहा है पी पर्सन क्यू रिप्रेजेंट करता है पी इज वाइफ ऑफ क्यू, पी डॉलर क्यू मींस पी इज मदर ऑफ क्यू, पी एंड क्यू का मतलब है पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, और फिर ये इक्वेशन दिया गया और आपसे पूछ रहा है जी पी से कैसे रिलेटेड। तो अब आपको देखो कि पहले का रिलेशन दूसरे के रिस्पेक्ट में दिया, यानी रिलेशन राइट से लेफ्ट दिया गया है। फैमिली ट्री ना बना के हम डी से जी तक जाएंगे और डीकोड करते हुए जाएंगे। हाउ वील डीकोड, वील सिंपली राइट डाउन द रिलेशंस, लाइक हैश लिखा हुआ है वो सन को रिप्रेजेंट करेगा, फिर से यहाँ पे सन लिख दिया, स्टार डिनोट किसको करता है हस्बैंड को, सो वील राइट हस्बैंड, एंड डॉलर किसको डिनोट करता है मदर को, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, एंड देन वी कैन रीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ही कह रहा है मेरी मम्मी के हस्बैंड, तो मैं अपने आप को डी की जगह पे रख लेता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरी मम्मी के हस्बैंड मतलब मेरे फादर, और मेरे फादर का कोई बेटा है एल, तो मेरे फादर का जो बेटा होगा वो मेरा भाई होगा, और मेरे भाई का बेटा नेक्स्ट जी है, तो मेरे भाई के बेटे को क्या बोलूंगा मैं, नेफ्यू बोलूंगा, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, इट इज नेफ्यू, सो इट्स दैट सिंपल। नेक्स्ट कह रहे हैं हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि भाई जैसे पिछले क्वेश्चन में आपसे अगर सवाल पूछा गया था हाउ जी रिलेटेड रिलेटेड टू जी, है ना, तो यहाँ पे कैसे बनाते, अब देखे रहे डी कह रहे हैं मेरी मदर के हस्बैंड, अब डी का अगर पूछा गया था हाउ इज डी रिलेटेड टू जी, तो मुझे ये पता चल गया कि जी इज वॉट नेफ्यू, तो डी क्या होगा, या तो आंट होगी या फिर अंकल होंगे, डिपेंड्स ऑन द जेंडर ऑफ डी, तो हम रिलेशन को रिवर्स कर सकते हैं, हमको पढ़ना राइट से लेफ्ट है, कब तक राइट से लेफ्ट पढ़ेंगे, तब यहाँ रिलेशन राइट से लेफ्ट दिया हुआ, यानी क्यू के का बेटा पी, क्यू का हस्बैंड पी, ऐसा दिया हुआ है ना, उसी हिसाब से देखो ए डी का, तो हम पढ़ेंगे ए से डी ही पढ़ेंगे, हम पता लगाएंगे डी ए का क्या लग रहा है डिफॉल्ट। ठीक है, फिर रिलेशन को रिवर्स करने का प्रयास करेंगे, हैश लिखा हुआ है तो हैश सन को डिनोट करता है, पर्सन वाइफ को डिनोट करता है, और फिर हैश अगेन सन को डिनोट करता है, ए कह रहा है मेरे बेटे की वाइफ, बेटे की वाइफ को क्या बोलेंगे, बहू बोलेंगे, तो जी विल बी द बहू, और बहू का बेटा कौन होगा, ग्रैंडसन होगा, बहू का जो बेटा होगा मेरा ग्रैंडसन होगा, ही इज ग्रैंडसन, अब डी ग्रैंडसन है तो ए या तो ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर होंगे, इट डिपेंड्स ऑन द जेंडर ऑफ ए विच इज नॉट कन्फर्म्ड इन दिस वन, सो सी एंड डी इज द राइट आंसर। ऐसे ही आपको अगला क्वेश्चन ले रखा है ए जी से कैसे रिलेटेड, अब ए जी से कैसे रिलेटेड है, सो वी नीड टू राइट रीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फ्रॉम जी टू ए, और जी के बाद डॉलर लगा हुआ है, डॉलर रिप्रेजेंट्स मदर, एंड देन अगेन इट इज मदर, एंड स्टार रिप्रेजेंट्स व्हाट हस्बैंड। अब देखो जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जी कह रहे मेरी मम्मी की मम्मी के हस्बैंड, तो मेरी मम्मी की मम्मी मेरी नानी हो गई और मेरी नानी के हस्बैंड मेरे नाना हो गए, सो ए इज नाना ऑफ जी, और नाना को क्या बोलेंगे, ग्रैंड फादर बोलेंगे, और maternal grandfather जो भी दिया गया, accordingly you can mark the answer. So D is the correct answer in this. तो blood relation के ऐसे questions को आसानी से आप बना सकते हैं, जैसे ये question, यहाँ पे भी orally आप check कर सकते हैं relations को, जैसे T is father of N यहाँ पे निकल के आएगा, D is the correct answer. फिर यहाँ पे कह रहे which of the following means Q is brother of T? Q T का भाई है, इनमें से कौन से equation में Q T का भाई लगा? अब यहाँ relations उल्टे दिए गए हैं, A क्रॉस B का मतलब है B इज मदर ऑफ A, तो अब हमें लेफ्ट टू राइट पढ़ना होगा, जैसे यहाँ पे हमें Q और T का देखना है ना, तो हम Q से T पढ़ेंगे, ऐसे Q माइनस T लगा हुआ है, इसका मतलब T इज व्हाट ब्रदर ऑफ Q, और यहाँ कह रहे भैया Q इज ब्रदर ऑफ, अब Q का जेंडर निकाल लो, Q के पहले डिवाइड लगा हुआ है, तो Q इज फादर ऑफ Y, इसका मतलब Q मेल है, Q एंड T ब्रदर हो जाएंगे, A ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर।
इस तरीके से करने पर चीजें आपके लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाएंगी। ऐसे यहाँ पे दिया गया, इसमें बीच में रिलेशन चेक कर लेने और फटाफट जो कि आप कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे ये केस दिया हुआ कह रहे हैं कि हाउ इज परसेंटेज रिलेटेड टू एट द रेट। तो एट द रेट से हम परसेंट तक जाएंगे एंड वील डिकोड ऑल द रिलेशन। देखिए यहाँ पे फाइव, फाइव किसको डिनोट करता है, फाइव सन को डिनोट करता है, यहाँ पे सन लिखूंगा। और वो भी देखो स्टार फाइव डॉलर का मतलब है स्टार इज फर्स्ट पर्सन इज द सन ऑफ पर्सन, तो डिकोड राइट से लेफ्ट ही होगा। फिर उसके बाद नाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, फादर को, तो हमने फादर लिख लिया। सिक्स किसको डिनोट करता है, सिक्स डिनोट्स वाइफ, वाइफ को डिनोट करता है। एट द रेट की तरफ से पढ़ रहे हैं, एट द रेट कह रहे हैं भाई मेरी पत्नी के पिता, मेरी पत्नी के जो पिता होंगे वो मेरे ससुर होंगे, और मेरे ससुर का जो बेटा होगा कौन होगा, मेरा साला होगा, जिसे हम ब्रदर इन लॉ कह सकते हैं। ये ऑप्शन इज राइट आंसर। मतलब इसमें कई बार आपको डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं, तो बिना डायग्राम बनाए हुए भी इन क्वेश्चन को ओरली आप चेक कर सकते हैं, राइट। तो जब आप ये सेशन देख लेना, ये सेशन टेलीकास्ट होगा, आई विल पोस्ट वन सेट ऑफ क्वेश्चंस इन माय टेलीग्राम चैनल एट द रेट रीजनिंग बाय पर्सन, तो उसी दिन आपको वो मिल जाएगा और पिन करके रख दूंगा ताकि आप ये क्वेश्चन वहाँ पे डाउट होता है आप मेरे से पूछ। क्लास के लिए बस इतना ही है, दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच। बड़ी विवान टेक केयर, मुलाकात होती है आपसे रेगुलर क्लासेस में। खुश ख्याल रखिए, मस्त रहिए, फिर से प्रार्थना और भरोसा बनाए रखिए, आप जल्दी सफल होंगे। और साथ ही साथ आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत सारी एक बार से हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के दिए की रोशनी की तरह आपका भविष्य तरीके से चमका उठे, इसी शुभकामनाओं के साथ अलविदा लेता हूँ। सो मच। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। सब्सक्राइब।